बांदा पीईटी की परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई किया गिरफ्तार। बांदा में आज प्रारंभिक पात्रता परीक्षा की दौरान एक छात्र को नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया है। छात्र प्रयागराज का रहने वाला है और पीईटी की परीक्षा देने बांदा आया हुआ था। परीक्षा के दौरान चेकिंग टीम ने उसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ गिरफ्तार कर लिया। छात्र उपकरण के माध्यम से सवालों के जवाब सुन रहा था। पुलिस ने छात्र पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला शहर कोतवाली के भागवत प्रसाद मेमोरियल स्कूल का है, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें कई छात्र और छात्राएं परीक्षा देने आए हैं। प्रयागराज से सेंटर बांदा आया हुआ है, इसी के चलते शहर के कई स्कूलों को परीक्षा सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान भागवत प्रसाद मेमोरियल स्कूल में चेकिंग की गई, जिसमें एक छात्र को नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया है, जो ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा में आए सवालों के जवाब सुनकर लिख रहा था। पूछताछ के दौरान छात्र ने बताया कि वह प्रयागराज का निवासी है और परीक्षा देने बांदा आया है। पुलिस ने नकलची छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पीईटी की परीक्षा के दौरान एक छात्र को नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया है, जिस पर छात्र के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है। सर, आज पेट परीक्षा के दौरान एक नकलची पकड़ा गया, सर पूरा क्या मामला है सर? आज कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत पेट परीक्षा के दौरान भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पंकज कुमार मौर्य, सन ऑफ राम लखन मौर्य, जो प्रयागराज का रहने वाला है, पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।